हाँ मैं यही हूँ सर, यही हूँ। ओके, हेलो हेलो हेलो, अरे अरे रोकिए मैडम, मैडम रोकिए ना, रोकिए। कहाँ जा रही है? पागल है क्या? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे तो मैडम हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट जी तो मैं लगाती नहीं हूँ। क्यों नहीं लगाते? इसका मतलब आप रूल्स फॉलो नहीं करते? अरे तू पागल है क्या? तू अपने औकात देखते को क्या लगता है मैं हेलमेट क्यों लगाऊं? वैसे मैडम आप बात कैसे कर रहे हैं? ये आपका बात करने का तरीका है? अच्छा तो अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए? देखिए मैडम आप पहले तो एक काम कीजिए, स्कूटी से उतरिए। अरे मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। स्कूटी से उतरिए मैम, ठीक है? स्कूटी से उतरिए। तेरी हिम्मत कैसे? चाबी दे। आपने पता है कितनी बड़ी गलती कर दी आपने? आपने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया है, ठीक है? तू जानता है मैं कौन हूँ? अरे कोई भी हो आप, कौन हो आप, क्या हो? अच्छा तो तुझे अब भी बता दूं कि मैं कौन हूँ। आ किसको मिला रहे हो? मिलाओ किसको, फोन मिला रहे हो? जबान मत लेना मेरे से, 2 मिनट रुक यहीं। मैडम रुक जाओ, तेरे को अभी सस्पेंड कराती हूँ, ठीक है? आप और तो इसीलिए मैं हाथ उठा रहा हूँ। चुप, उंगली नीचे। किसको फोन मिला रहे हो आप? चुप। हेलो, हाँ बाबा, यहाँ पर एक इंस्पेक्टर है जो मुझे रोक रहा है, मुझे जाने नहीं दे रहा और मेरे से जवाब लड़ा रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। हाँ आप जल्दी आ जाओ। हाँ बुला लिया, जाओ किसी को बुला लो। तुम जानते हो मेरे पापा कौन है? अरे कोई भी हो, सीएम है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? एक लड़की की शर्माती है, तुम्हें शर्माती है? ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाते हो तुम? तुम्हें लड़की की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती? अरे रिस्पेक्ट, तुम्हें क्या पता रिस्पेक्ट क्या होती है? अच्छा मेरी चाबी दो, मुझे जाना। नहीं मिलेगी चाबी, तो मेरे पापा देख लेंगे। तुम्हारे पापा को ही आने दो पहले, मैं तुम्हारे पापा से ही बात करता हूँ। मैडम मैडम आप लेडीज हो, आप लेडीज हो इसीलिए मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है ना? हट हट, पापा गए, हट। अरे क्या हुआ बेटा? पापा ये देखो ना इंस्पेक्टर, मेरे को जाने नहीं दे रहा, मैं लेट हो रही हूँ और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं मेरे से, फालतू बकवास कर रहे हैं। गुड इवनिंग है, क्या बात हुई? सर ये आपकी बेटी है क्या? अरे सर मैंने इनको स्कूटी रोकने के लिए कहा था, अब देखिए ये स्पीड में भी चला रही थी, मुझसे बदतमीजी से बात भी की, ना इन्होंने हेलमेट लगा रखा है। मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ तो ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए भी रेडी नहीं है। तेरे को ये, एक मिनट रुको, तेरे को ये पता चल गया कि ये मेरी बेटी है तो तूने रोकने की मत कैसे की? सर मैं तो आपकी ही गाइडलाइन फॉलो करता हूँ, आपने ये तो हमारे को सिखा रखा है सर कि चाहे कोई सिखाया है तो वो मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ी सिखाया है। लेकिन सर हम तो आपकी हर चीज को, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं ना सर। अरे आपने पापा ये झूठ बोल रहे हैं, मैं बताती हूँ सर, सर सर पापा रुकिए रुकिए प्लीज, मैंने बोला ना चुप। मैडम एक मिनट, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, यू प्लीज शट अप, जस्ट कीप योर कॉइन, शट अप। एक मिनट रुको रुको। हाँ बेटा पापा मैं बताती हूँ, मैं स्कूटी से जा रही थी, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही थी, ये बीच में रोक रहा था, खुद भी मरता मुझे भी मारता, उसकी वजह से ना रोका, हेलमेट मांग मैंने ठीक है नहीं, मैं भूल गई, मैं जल्दी जल्दी में पता नहीं फिर छेड़ने लग गया, धक्का देने लग गया, पता नहीं क्या क्या कर रहा था, बदमाशी कर रहा था मेरे साथ। फिर आपने दो चार धरने थे ना? हाँ रखे ना पापा मैंने, उसके बाद भी नहीं माना। अच्छा और खुद तो फोन पर बात कर रहा था ये मेरे से, इसलिए तो मैं जा रही थी इसके आगे। सर सुनिए, अगर आपको किसी चीज के ऊपर अभी डाउट है ना, देखिए सर यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ भी कैमरा, आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं सर। जी सर आपने इसको जड़ दिए थे? हाँ। कितने मारे? मारे होंगे मैंने 4-5। यही सिखाया मैंने तुझे? पापा मुझे क्यों मार? तुमने एक पुलिस वाले पे हाथ उठाया है? तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा बाप भी पुलिस डिपार्टमेंट में है? इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हेलमेट यही तो पूछा था, यही पूछा था या नहीं? पापा सब देख रहे हैं। कौन है? देखने दो, आज मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से ड्यूटी निभा के इस पद पे पूछा हूँ। तुम्हारा बाप भी पहले ऐसे ही था, पुलिस से भर्ती हुआ था, फिर हवलदार बना था, फिर इंस्पेक्टर, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ईमानदारी पे, मैंने किसी की रिश्वत नहीं खाई, मैंने किसी की बात नहीं उठी, आई समझ में? माफी मांग। पर पापा मेरी गलती क्या है? माफी मांग इससे। नहीं पापा, सब देख रहे हैं पापा, मेरी भी कोई इमेज है। मैं क्या कह रहा हूँ, माफी मांग। सॉरी। आराम से मांग। सॉरी सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो ज़रूर करें, ओके? एंड यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर द सिविलियंस एंड पुलिस। ये क्या सोचेंगे कि माँ बाप ने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी है
कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर से। आगे से अगर इस टाइप की शिकायत मिलगी ना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, चल अपने घर निकल। सॉरी पापा, सॉरी सर। इट्स ओके, सॉरी सर। अरे नहीं, मैं माफी मांगता हूँ अपने बच्चे की तरफ से, और ऐसे ही ड्यूटी निभा।